बात है भाई, श्रुतिका, पूजा और अमित, ऐसा लग रहा है कि बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ बहुत जबरदस्त तरीके से बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। वैसे ये ट्यूनिंग ठीक ठीक अगर बैठ जाए तो जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भी आ जाएंगी और ये खुशियां हमेशा काम आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुसैन, ये ट्यूनिंग 100% सही तभी बैठती है और ये तभी सही होती है जब एक साथ हम लोग योग में ध्यान लगाएं। और ऐसा मेरा मानना नहीं है, एम्स का मानना है। आपको बताएं कि मंत्रोच्चारण के पीछे के साइंस को समझने के लिए एम्स में एक स्टडी हुई और उसमें पाया गया कि तमाम बीमारियों में योग ओंकार से फायदा मिलता है। बिल्कुल, और इसके लिए एम्स के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वायरलेस मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें जो सेंसर है वो शरीर में लगाए गए और शरीर के जो हलचल है उस पर नजर रखी जाती है, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर शरीर पर पड़ रहे असर को एनालाइज किया जाता है। मतलब ये कि अमित, मंत्र पढ़ने या सुनने के दौरान बॉडी के टेम्परेचर में क्या फर्क आता है, सांस लेने की रफ्तार क्या है, हार्ट बीट कितनी है, ECG में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, इस टेस्ट के दौरान इन बातों पर नजर रखी गई है। और इतना ही नहीं, स्क्रीन पर खाने पीने की भी जो चीज़ें दिखाई गईं और उस दौरान जहन में दिमाग से लेकर तमाम जो सेंसर्स हैं उनमें जो हरकत महसूस की वो भी कमाल की रही। और जो रिजल्ट आए वो चमत्कारी थे। मंत्रोच्चार से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, हार्ट बीट में सुधार देखा गया, ब्रेन में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होने लगी। तो वहीं पर फाइब्रोमायलेजिया और आर्थराइटिस में भी इसका फायदा दिखा है और मंत्रों के वाइब्रेशन से फेफड़े भी मजबूत हुए हैं और सांस रोकने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है। दरअसल एम्स के डॉक्टर इस स्टडी के रिजल्ट को इसलिए भी मिरेकल कह रहे हैं क्योंकि अपनी बीमारी से निराश हो चुके बहुत से मरीजों का स्ट्रेस लेवल मंत्रोच्चारण से कम हुआ है, जिंदगी को लेकर वो पॉजिटिव हुए हैं, जिससे दवा ने भी उनके शरीर पर तेजी से काम किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए आज हवन, मंत्रोच्चारण, योग, प्राणायाम और ध्यान का एक इंटीग्रेटेड हेल्थ पैकेज योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं, ताकि वो तमाम लोग जो निराश हो चुके हैं अपनी अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, उन्हें उनका हल मिले, उन्हें कोई रास्ता नजर आए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे भाई बहुत बहुत प्रणाम। हम गायत्री मंत्र से यहाँ पर हवन कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर रहे हैं और जो एम्स ने स्टडी की, हमने यहाँ पर पार्किंसन को एनिमल ट्रायल से शुरू करके और ह्यूमन ट्रायल तक किया। ड्रग डिस्कवरी का 3 चरण होता है, सेल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल। और हमने जो पार्किंसन असाध्य रोग माना जाता है उस तक को मिटाया है। और जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो आपने सारे तथ्य बताए, एम्स का भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने सनातन संस्कृति को, अपने विरासत को विज्ञान के साथ उसके अनुभवों को जोड़ करके पूरी दुनिया के सामने जो तथ्य रखे मेरे सामने, तो यहाँ बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पा करके और बहुत सारे बालक हमारे बैठे हैं। अनुलोम विलोम करो गायत्री के ध्यान के साथ, और गायत्री गोमाता का ध्यान, और हमारे इधर पूज्य स्वामी परमार देव जी महाराज, चारों तरफ एक जो दिव्य वातावरण है इसका जबरदस्त प्रभाव होता है। अल्टीमेटली सारी चीजें ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो ये हवन के माध्यम से नैनो पार्टिकल्स मेडिसिन के अपने अंदर जाते हो, चाहे वो मंत्र के रूप में, ध्यान के रूप में, संकल्प के रूप में, विचार के रूप में, जो कुछ आहार के रूप में हम इंटेक करते हैं, अल्टीमेटली सब ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। चारों तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जी है, वायु का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, एयर का, वाटर का, सोयल का जो पोल्यूशन, उसके साथ साउंड का पोल्यूशन, लाइट का पोल्यूशन और खान पीने की चीज़ों में आहार का पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन और रेडिएशन इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो एक नकारात्मक वातावरण पूरे समाज में बन गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भी सुबह से शाम तक हम देखते हैं कहीं विरोध के स्वर उठ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, इन सब से बचने का उपाय एक सकारात्मकता है। और उस सकारात्मकता को कल तो हमने सुबह सुबह पूरे देश में देखा ही,
योग के सत्र में, लेकिन फिर दिन भर अब जिंदगी भी तो इतनी उलझन भरी है, उसमें फिर हमको जीना ही है। तो मैं सबसे कहूँगा एक बार सुबह सुबह योग यजन के साथ करें, भजन के साथ करें, ध्यान के साथ करें, मंत्र जप के साथ करें, चाहे योगी जॉगिंग करें, चाहे सूर्य नमस्कार और पावर योगा का जो पूरा सेशन हमारा रोज 5 से 10 मिनट का रहता है, ये तो करना ही करना है। और जो अलग अलग प्रकार से सिंथेटिक दवाओं का जहर, उल्टा पुल्टा खाना पीना, जो जंक फूड फास्ट फूड, और जो हम कितने ऐसी अनवांटेड चीज़ें लाइफ में करते रहते हैं, उन सब के द्वारा जिंदगी जहरीली हो गई है। अब उसको ठीक करने के लिए सुबह सुबह एक तो पसीना निकालते हैं हम, और पसीने के साथ साथ वाटर थेरापी, मड थेरापी आदि कितनी अच्छी बातें बताते हैं। आज यज्ञ थेरापी, मंत्र थेरापी, डिवाइन साउंड, साउंड थेरापी, इन सब के द्वारा अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरना है ये सीखेंगे। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवाई दी, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा सुनवाने जा रहा हूँ जिससे आपको सुनकर अच्छा लगेगा और बड़ी खुशी भी होगी। देखिए, मंत्र की जो शक्ति है उसको एम्स ने भी मान लिया है। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस पर जो स्टडी हुई उसके बाद जो नतीजे आए वो सबको उसने चौंकाया है। और वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहे हैं इस स्टडी के बाद, जरा उनको सुनिए। कम हो जाती है तो ये स्ट्रेस रिडक्शन का एक पैरामीटर है। ब्रेन की ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाती है, चाहे मंत्रोच्चारण से हो, चाहे मेडिटेशन से हो और योग से हो। इस तरह से हम कैंसर के पेशेंट्स में, डिप्रेशन के पेशेंट्स में, फाइब्रोमाइल्जिया यानी जो अलग अलग जगह पे मसल्स में दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी हम ये काफ़ी सालों से ये स्टडी कर रहे हैं। तो डॉक्टर केपी कोचर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं, वो बता रही हैं कि किस तरीके से मंत्र, हवन, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद से फ़ायदा मिलता है। मतलब जो भी हमारी परंपरागत तरीके हैं, तौर तरीके हैं सेहतमंद रहने के, वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। और ये बात आप हमेशा कहते आए हैं स्वामी जी, जो ये स्टडी में जो बातें कही गई हैं। ये जो कोचर बहन ने कहा है उसको हमने अनुभव किया है लाखों रोगियों पर, और अभी भी आप मेरे साथ में यहाँ पर जिनको देख रहे हैं, हमारे रजिया बेगम हैं, सईद खान हैं, नरेश है, इसकी इसको दृष्टि पूरी चली गई थी। इसको इतना वायरस लोड बढ़ गया था, डॉक्टर ने कह दिया था अब तो मरना ही पड़ेगा सईद खान को, रजिया बेगम के भी प्राण निकलने को हो गए थे। ये दक्ष और इसके पीछे जो बैठे राधे श्याम, इसको तो कैंसर हो गया था। 90 साल के हैं ये, 90 साल के, और आप कह रहे हैं 100 साल तक हर आदमी ऐसे ही जी सकता है जैसे मैं ठसक के साथ जी रहा हूँ। 2017 में कैंसर को मात दी है ये कौशिक। तो इसने तो एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस को, और ये जो हमारी बिटिया इधर आप देख रहे हो रिद्धिमा, इसने तो एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस को ऐसे मात दी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो कौशिक तो अब बॉडी बिल्डर हो गया पूरा। चलो कौशिक जी, आप लोग भी उल्टे लेटो। ये कौशिक और ये रिद्धिमा तो हजार हजार बार ये भुजंगासन करती है, और सब पूरी प्रामाणिकता के साथ। आज मैं कह रहा था 1% लोग हैं जो मेरी बात 100% मानते हैं, बाकी 99% ऐसे लोग हैं जो मेरी बात 10-20% मानते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, अब इसके पीछे की साइंस जो है ना, मान ले तो फिर 100% परिणाम मिलेगा। स्वामी जी, उसके पीछे की साइंस से जरा आप उसको समझते हैं आपसे कि आखिर ये काम कैसे करता है। योग और मंत्रोच्चार का असर सबसे पहले हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर कैसे पड़ता है, मसल्स कैसे रिलैक्स होती है, और तो और जो फाइब्रोमाइल्जिया जिसे वहम की बीमारी कहा जाता है वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले जरा मांसपेशियों के लिए योग का एक पूरा सेशन करवाते हुए समझाइए कि ये कैसे वर्क करता है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, और जो इतना भी ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सबको करना है।
अब जरा इसको गहराई से समझिए। हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 37 ट्रिलियन सेल्स, और ये 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन, दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। इसी से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में कोश इसका निर्माण होता है। और अब इसका सबसे छोटी इकाई एक सेल, एक सेल में मेरे भाई हुसैन जी एक सेकंड में 1,00,000 से ज्यादा रासायनिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जब योग करने लगते हैं तो ये एक सेल में 10,00,000 से लेकर के 1,00,000,000 तक केमिकल रिएक्शन पहुंच जाते हैं, रासायनिक भावनात्मक आध्यात्मिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। और जब योग करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं, गोमाता की सेवा करते हैं, गाय पर हाथ फिराते हैं, अब गाय के ऊपर हाथ फिराने मात्र से हमारे भीतर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। माँ का स्पर्श, मदर टच बोलते हैं उसको, किसी पुष्प का स्पर्श, अरोमाथेरापी बोलते हैं, नाक से सुगंध का, नैसर्गिक सुगंध की मैं बात करता हूँ, ये डीओपीओ लगाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम किसी भी सात्विक संसर्ग में आते हैं, किसी भी प्रकार से कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के सात्विक संसर्ग में आते हैं, तो हमारा एक एक सेल उसका एपोप्टोसिस, अब यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ, ऑटोफेजी माइटोफेजी, एक एक सेल का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, एक एक सेल के भीतर चल रही जो अंतःक्रिया है वात पित्त कफ पित्त के दोष के रूप में, एक एक सेल की जो एनर्जी है ऊर्जा है वो सही दिशा में काम करने लगती है। ये एनर्जी का जो डिस्ट्रैक्शन है उसी को बोलते हैं, इसके अंदर साइटोकॉन्स के लेवल बढ़ गया, उसी को कोरोना बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इसको अलग अलग प्रकार की एलर्जी हो गई, उसी को ऐसा लिया एमएस ऑटोमन डिजीज और कैंसर बोलते हैं। जो अलग अलग प्रकार का साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है, जो वात पित्त कफ त्रिदोष का लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है, ये वेट बढ़ जाता है, जैसे हमारा शुभम देखो 196 का हो गया था, अब तो रोज एक एक सवा सवा डेढ़ डेढ़ किलो कम कर रहा है। तो खैर मांसपेशियों का पूरा पैकेज हमने कर दिया है और दिमाग पर बड़ा गहरा असर पड़ता है विचार का और वातावरण का, उसके लिए शीर्षासन भी अप्रतिम है, अप्रतिम। इसलिए शीर्षासन, ये शीर्षासन तो हमारा सईद खान भाई भी करता है। सईद भाई, ये रजिया बेगम को अस्थमा था, इसने अस्थमा और सईद खान ने तो अपना पूरा लीवर का डिजास्टर था, हेपेटाइटिस भी और वायरस लोड करोड़ों में बढ़ गया था, मरणासन हो गया था शीर्षासन। और शीर्षासन में पद्मासन भी लगाता है हमारा सईद खान भाई, और उसने अच्छा कर लिया। तो ये जो एनर्जी तो का राइट डायरेक्शन में जो चैनलाइज करना है, राइट डायरेक्शन में अपने एनर्जी को चैनलाइज करने से सब रोग मेरे भाई मिट जाते हैं। बिल्कुल, ये है बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। और शीर्षासन तो वैसे भी स्वामी जी का सार, आसनों का राजा है, तंत्र और मंत्र और सारा जो षड्यंत्र चल रहा है वो सब खत्म हो जाता है मेरे भाई, सब खत्म हो जाएगा। स्वामी जी अब जरा आर्थराइटिस के मरीजों को भी एम्स की इस स्टडी में शामिल किया गया है, और वो लोग जिनकी जिंदगी एक तरह से दर्द बन चुकी थी, योगाभ्यास और मंत्रोच्चार से उनमें पॉजिटिविटी आई, जो आर्थराइटिस के मरीज थे उनका जो स्ट्रेस लेवल था वो भी घटा और दवा भी तेजी से असर करने लगी। तो स्वामी जी पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, जोड़ों में दर्द, मतलब गठिया से जो लोग तमाम परेशान हैं और उसकी अलग अलग परेशानी को झेल रहे हैं, उनके लिए भी अभ्यास करवाइए ताकि वो घर पर ही इससे बच सकें, गठिया को क्योर कर सकें और जो मैक्सिमम फायदा है वो हासिल कर सकें। ये सब एक बहन तो मेरे पास मंजू आई, अभी तो नहीं है वो यहाँ, उसका 4,000 आरए फैक्टर हो गए, 4,000। अब ये अंगुलियों को आगे पीछे से दबाना भस्त्रिका के साथ, गूगल से हवन करना, ये जो हवन चल रहा है ना हवन का, हमने एक तो हवन कुंड बनाए, ये छोटा हवन कुंड है, ये बड़ा हवन कुंड है जहाँ हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी, समग्र देव जी ये सब हवन कर रहे हैं, हरिहर देव जी।
और ये छोटा हवन कुंड मेरे सामने आप देख रहे हैं, एक हमने ये पूरा आज तो पूरे रेडीमेड की दुनिया है ना, तो इसका नाम ही हमने यज्ञ वेदी रख दिया है। ये यज्ञ वेदी पैक करके दे दिया है और इसी से ही लोग घर में इसी पे ही गूगल डाल देते हैं। इसमें गूगल और सामग्री डाल दी, वातेष्टि और गूगल डाल दिया, गाय का घी डाल दिया और अपने उसको एक बार थोड़ा कपूर को सलगा देते हैं और उसको थोड़ा सुलगाने से अपने आप फिर वो धीरे धीरे धूम जाता रहता है और मेडिकेटेड एयर आता रहता है। ये तो मंत्र चिकित्सा होगी, ओंकार गायत्री के साथ उसका वो करते हैं, हवन करते हैं और साथ में प्राणायाम सूक्ष्म यार, पैरों के हाथों के एक एक गांठ पूरी जाम हो जाती है। और ये RACRP ANE AVN HLP 27, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ आज, जो भी हमारे भीतर टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स के नाम पर अलग अलग जो भी नामकरण कर दिए गए हो, जैसे सब मनुष्यों के भीतर फाइव एलिमेंट्स का मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा का एक ही जैसा सबका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर है, बाद में अपने कर्म के अनुसार वो भिन्न भिन्न हो जाता है वो अलग बात है, जो अंदर किसी भी रूप में डिजीज मार्कर्स हैं, चाहे वो लीवर के, किडनी के, हार्ट के, ब्लड के, ब्रेन के, नसनाड़ियों के, अलग अलग मार्कर्स हम मापते हैं ब्लड टेस्ट करा के, अलग अलग प्रकार के हमारे सीटी स्कैन पेट स्कैन करा करके सारे नेगेटिव मार्कर्स को कम करना है, तो या तो यज्ञ और यज्ञ की जो भस्म है उसका पानी पीना, या तो गोधन अर्घ पीना, यहाँ गाय की बहुत हम बात कर रहे हैं, या तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पीना। अब वातेष्टि है, ऐसे ही हमने पीड़ान तक क्वाथ बताया हुआ है, पीड़ा नील क्वाथ उसका काढ़ा पी ले, अथवा गिलोय एलोवेरा पारिजात निर्गुंडी सहजना। और ये सूक्ष्म व्यायाम 100 से लेकर के 500 बार तक मैंने कराया, जिनके एक एक अंग पूरे जकड़े हुए थे। ये गोधन अर्क या अर्जुन की छाल दालचीनी सामान्य रूप से अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, पीड़ंतक क्वाथ और पीड़ानील पेज अभी मैंने बताया, और फिर ATM की सब्जी एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 से 20 ग्राम और मेथी ये 25 से 50 ग्राम अंकुरित, इसको गाय के घी में थोड़ा छोंक करके और इसकी सब्जी बना लेते हैं, ये सब्जी खिलाते उपवास कराते हैं। RACRP ANE AVN HLP 27 से लेकर के यूरिक एसिड से लेकर के पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का वात बढ़ा हुआ और कितना ही बढ़ा हुआ हो, मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है ANE AVN HLP 27 RACRP ये बढ़ जाए, और मैंने तो कहा 20 होना चाहिए आर फैक्ट्री, जिनका 4000 था उनका मैंने नेगेटिव किया, और क्या चाहिए बताओ। एक घंटा योग तो करना पड़ेगा, दो बार आहार ले, इंटरमीडिएट उपवास करें, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर लंबा उपवास कर लें, और ये सूक्ष्म मैम जो अभी बता रहे हैं ना ये भी लंबा करें, भस्त्री का भी पूरा मेडिकेटेड एयर नैनो मेडिसिन ये मेरे अंदर जा रहा, मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ से हवन हो रहा है, और ये गाय का ठाण है जहाँ पर हम ये योग कर रहे हैं ना, गांव की भाषा में स्थान को ठाण बोलते हैं, ये गाय का ठाण है, यहाँ एक अलग गौशाला है, इसमें अलग ही प्रकार के एक दिव्य ऊर्जा के स्पंदन हैं, बहुत ही डिवाइन वाइब्स है यहाँ की, तो सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से हम आप्लावित हो जाते हैं, हमारे भीतर बाहर का आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी में, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब स्वामी जी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो लोग वजन घटाना चाहते हैं लेकिन क्या होता है कि वो कर नहीं पाते, लंबे वक्त तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कि अरे मुझे वजन घटाना है, मुझे कंटिन्यूली कोई एक रूटीन फॉलो करनी है, तो आज उनको भी जगाने की जरूरत है, क्योंकि मोटापे से शरीर ही नहीं बल्कि ब्रेन और ब्लड फ्लो भी घट जाता है। अब स्वामी जी एम्स की स्टडी में बकायदा खाने पीने की चीजें दिखाकर ब्रेन में हो रहे हलचल को सामने लाया गया, वो बातें सामने आई, अगर माइंड शांत है तो ईटिंग हैबिट कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है और आप हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट होते हैं। स्वामी जी तो ये दिमाग के जरिए कैसे मोटापे पे वार कर सकते हैं और अनहेल्दी खाने से हेल्दी खाने की ओर जा सकते हैं, ये उपाय लोगों को बताएं। अब देखो ये मोटेपा का सबसे बड़ा रोल मॉडल आइकॉन हमारे पास में आ गया। मैंने इससे पूछा भाई सुबह में इतना बढ़ाया कैसे, बोले समझे खूब खाया और खूब सोया।
और फिर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा खाने में, बर्गर पिज्जा बस, मांसाहार छोड़ करके शाकाहार तो इसने क्विंटलों के हिसाब से खाया है टोटली। अच्छा स्वामी जी, शुगर कितने दिन में, दिन में कितनी बार खाते थे? एक एक किलो, डेढ़ डेढ़ किलो, कभी कभी तो दो किलो भी घटा देता है। कितनी बार खाता था भाई शुभम? दो टाइम तीन टाइम, दो टाइम तीन टाइम चार टाइम, जब मिल जाए तभी। एक से छियानवे से अब कितना आ गया है मेरा? 166 हो गया कब तो फिर? हाँ 166 हो गया। एक बार माइक में बोलना, पागलों की तरह करता अब योग भी। अब 166 हो गया है मेरा। 166 शायद एक किलो घट भी गया। 40 घटाना पॉसिबल है? नहीं नहीं, 30 किलो 30 किलो कितने दिन में? एक महीना 10 दिन हो गया मुझे। एक महीना 10 दिन हो गया लगातार जमा हुआ, 30 किलो कम कर लिया। कर भाई लगा रहा, ये देखो। और फिर इसमें वाटर थेरेपी भी कराते हैं, मड थेरेपी भी कराते हैं, स्टीम भी देते हैं, उद्वर्तन भी कराते हैं, बस्ती करवाते हैं, और अश्वगंधा के पत्ते भी खिलाते हैं। वेद को मेदोहर गोधन अर्घ, गोधन अर्घ कितना पीता है? जितनी बार जितना ही पिला, बोतल भर के, बोतल भर के। चलो गोल गोल घुमाए, ये भी घूम कर आप कर पाता है? बिल्कुल हिम्मत वाला है भाई, मानना पड़ेगा। तो वेट बढ़ता है ना, तो सारे साइटोकाइंस बढ़ते हैं, सारे नेगेटिव मार्कर्स और नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, और शरीर की ऊर्जा सब वेट को संभालने में लग जाती है। और इसलिए हमने इनको उपवास कराया कि फिर जो जठराग्नि बढ़े तो जल्दी से जल्दी इस वेट को खा पी करके ख़त्म करें। जठराग्नि वेट को खा पी करके बराबर कर दे, ये दो, और फिर ऐसे उधर पैर करके लेटो। और कितनी बार करना है एक अभ्यास? आज कितना टारगेट दिया था? 1000 बार। नॉर्मली मैं 100-200 का देता हूँ टारगेट। चलो करो बढ़ाओ एक एक अभ्यास को। अब एक एक पैर से तो मैं शुभम के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो मेरी तरह से दुबले पतले वो तो दोनों से भी कर सकते हैं ऐसे। ये तो ओबेसिटी से, आर्थराइटिस ओबेसिटी से, अस्थमा ओबेसिटी से, कैंसर ओबेसिटी से, हार्ट बीपी की शुगर की प्रॉब्लम, कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, बहुत प्रॉब्लम है। तो एक ओबेसिटी सुन लें शुभम, जवान है अभी तो। उम्र कितनी है मेरी? 25 है। 25 साल। एक ओबेसिटी से 100 समस्याएं आती हैं, और एक ओबेसिटी को ख़त्म कर लो सैकड़ों समस्याएं एक साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये अभ्यास तो ओबेसिटी के लिए बता दिए, और इसने संकल्प किया है कि अब ये 80 किलो का होकर के ही जाएगा मेरे पास। ज़्यादातर लोग जल्दी डिग जाते हैं, लेकिन इसने सोच लिया है नहीं, अब तो पूरी ज़िंदगी को संभालना है, और बीमारियों को और खास करके मोटापा को खदेड़ना है। अब मैं इसे कहूँ कि पवन मुक्त आसन करे तो कहाँ पवन मुक्त आसन हो पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जरूर कर, पादवृत्तासन और ये द्विचक्री का आसन ऐसे। तो अब कोई, लेकिन अच्छी बात ये स्वामी जी की ये लगे हुए हैं बात मानेंगे और कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं, अपना वजन घटाने के लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपना वजन ये कम कर लेंगे, मतलब ये कि रेगुलरिटी को मेंटेन करने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। स्वामी जी, हर रोज हार्ट अटैक से जुड़ी खबरें आती हैं कि हार्ट अटैक से मौत हो रही है, और ये खबरें बहुत डराती हैं, लेकिन योग प्राणायाम और मंत्र हार्ट बीट इससे नॉर्मल होते हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं, ये आप भी कहते आए स्वामी जी हमेशा, और एम्स ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो स्वामी जी ये होता कैसे है, इसके पीछे की साइंस भी समझाइए और इसके लिए अभ्यास भी करवाइए। हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास करें, खुश हो बेटा शुभम, ये ऐसे। आज मैंने बोला ये शरीर में जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स सारी नेगेटिव एनर्जी गलत आहार से, गलत विचार से, गलत सोचने से, गलत देखने से, गलत सुनने से, गलत खान पान से, जो भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है उसका सब का असर दिल और दिमाग पर पड़ता है, और इसलिए ये बहुत नाजुक मामला है। एक तो ये, फिर दूसरा ये गोमुखासन या अभ्यास करें। अर्जुन की छाल दालचीनी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसको तो पिए, गोधन अर्घ भी हो सके तो सुबह सुबह पी लें। खाली पेट हृदयामृत खाने के, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन घनवटी इसका सेवन करें, और जिनका ब्लड थोड़ा गाढ़ा है वो खाली पेट लहसुन या प्याज में थोड़ा सा हनी डाल करके सेवन करें, क्या अद्भुत अप्रतिम उसके लाभ होते हैं।
बहुत जरूरी है। और मैं देख रहा हूँ एक तरफ तो ये बहुत कारण है हार्ट अटैक के, दूसरी तरफ कोरोना और कोरोना के बाद लोगों ने एंटीबायोटिक्स और स्टीराइड की ओवरडोज, डबल वैक्सीनेशन बूस्टर डोज, और उसके बाद खान पान पर ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं की, जो अलग अलग प्रकार से सिंथेटिक दवाओं का जहर डाला उससे कभी भी किसी को क्लोट बन सकता है बिना घी के बिना तेल के। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार सुबह पसीना बहाओ और ये जो अर्जुन की चाल दालचीनी गोधन अर्क बताया है इसको पी लो भाई एक बार सुबह सुबह, ये बहुत जरूरी है। एक तो ये गोमुखासन और मकरासन भुजंगासन जो पहले कर चुके वो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार और गायत्री का जप, और ये पॉइंट दबाना, ये हार्ट के लिए परम औषधि है। जवान बच्चों की मौत जो आपने कहा ना, मैंने भी हजारों लोगों के मौतें सुनी हैं और देखी हैं अपनी आँखों से। अभी मैं आज सुबह सुबह उठा तो पता लगा एक बालक, गौतम सोनू बोलते थे प्यार से, 35 साल का बच्चा, 33 या 35 साल का बच्चा, उसका भी 2 साल का बच्चा ही पैदा हुआ था, पत्नी डॉक्टर है, पता लगा मर गया। किससे? यही, ये जो वैक्सीनेशन के बाद में अचानक क्लोट आ रहा है और सीवियर हार्ट अटैक। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा क्या हुआ, आर्मी के डॉक्टर थे बड़े, बोले जी इनको सीवियर हार्ट अटैक आया, कोई बड़ा क्लोट आ गया था। अब ये क्लोट कैसे बनते हैं, तो ये एक बात कहना चाहता हूँ, खाली कोलेस्ट्रोल से, ब्लड थिन होने से, ज़्यादा घी तेल खाने से, चिकने खाने से नहीं, अंदर का जो ऊर्जा का संतुलन गड़बड़ाने से, और ऊर्जा के संतुलन को गड़बड़ाने में सिंथेटिक मेडिसिन, और बाकी बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कहूँगा तो और बखेड़ा हो जाएगा। कभी भी किसी को हार्ट में, ब्रेन में क्लोट आ सकता है, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और हार्ट अटैक होकर के मौत हो सकती है। आज का जो सेशन है उसको ध्यान से सुनना, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना, नहीं तो कभी भी जिंदगी का खेल खत्म हो सकता है, परिवार तड़पता बिलखता रह जाएगा, बच्चों से माँ बाप का साया हट सकता है, या जिंदगी के सारे सपने आपके टूट सकते हैं। इसलिए आज के इस सेशन को सुनना और जो बता रहे हैं उसको करना, जीना। इसलिए मैंने कल कहा था योग करना है और योग को जीना। बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, स्वामी जी जो बता रहे हैं उस पर अमल भी करना होगा और अभ्यास को रेगुलर करना होगा, अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। स्वामी जी रोजाना मंत्रोच्चारण और योग किया जाए तो लंग्स भी हेल्दी होते हैं, और स्वामी जी प्राणायाम तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो लंग्स को, फेफड़ों को हेल्दी बनाते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं? लंग को हेल्दी बनाने के लिए योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, उष्ट्रासन, और इधर आओ भाई कौशिक, ये कौशिक और ये बेटी रिद्धिमा ने तो कमाल किया है, 1000 बार तक भुजंगासन किया है, और बच्चों को तो दंड लगाना चाहिए, चलो दंड लगाओ, तुम डिप्स लगाओ, डिप्स लगाने से इससे लंग मजबूत बनते हैं। अब देखो ये ऐसे करता है, ये वही कौशिक है जो व्हील चेयर पर आया था, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस से टेढ़ा मेढ़ा होकर के गर्दन यूं भी मुंह नहीं कर सकता था ऐसे भी, हा? और अब ये है भुजंगासन के साथ ऐसे करना जो कर रहा था ऐसे, नहीं तो ऐसे भी कर लो, ऐसे भी, इतने से भी काम चलेगा। ये लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा ही जबरदस्त है, इसने तो कीर्तिमान बना दिया है। बैठो एक बार, जो व्हील चेयर पर आया था, अभी इसके दिखा थोड़ा लोगों को, इंस्पिरेशन मिलता है, दोनों हाथ, अब देखो ये बॉडी बनाई है इसने सूर्य नमस्कार करके और जो है क्या बात, योग करके, भुजंगासन करके, दंड लगा के, 250 दंड रोज लगाता है कम से कम। बहुत खूब स्वामी जी, बहुत खूब, ये बेटी चमत्कारी है। ये जो है ये रिद्धिमा हमारी बेटी, 1000 बार ये स्क्रोलियोसिस ठीक किया इसने, भुजंगासन करो बेटी, और ये भस्त्रिका करो बेटा, भस्त्रिका, ब्रोन कोम, स्वासारी, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, च्यवन प्रभा, और बच्चों के लिए बालप्राश, ये तो परम औषधि है।
अभी 1000 बार तक गुड़िया कर लेती है, लेकिन देखो ये प्रतिबद्धता, ये संकल्प कि मुझे रोगों को पराजित करना, ये तो बैठो बेटा, अब भस्त्रिका भी पूरा करती है, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम करो आप तो बेटा। अब इसके भी जवान भैया की मौत के बाद पूरे परिवार में ऐसा गम हुआ, 25 साल का जो भाई था बेटा हमारा वो चला, तो परिवार में गम का पहाड़ जैसे कहते हैं टूट पड़ा, उससे भी अपने आप को उबारा, ये थोड़ी अलग त्रासदी होती है, अलग ही प्रकार की एक वेदना होती है, उससे भी अपने उन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को उभारना, ये भी योग से संभव होता था, नहीं तो आदमी हौसला हार जाता, टूट जाता, हिम्मत उसकी जवाब दे देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी योग हमें ताकत देता है। तो फेफड़ों के लिए तो मैंने बताया ही, कितना ही भयंकर, कितना ही बड़ा हिमालय के समान भी दुख आ जाए तो विचलित ना हो, यही तो योग हमें सिखाता है मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक बीमारी है जो जिसे सोसाइटी ने, समाज ने रहस्यमयी बना रखा है, एपिलेप्सी की बीमारी यानी मिर्गी की बीमारी। इसमें भी मंत्रोच्चारण बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, इससे ब्रेन में ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल घटता है और इससे दवाएं भी ज़्यादा तेज़ी से असर करती हैं। तो एपिलेप्सी में और क्या क्या किया जा सकता है मिर्गी की बीमारी को ख़त्म करने के लिए, और जो लोग इसको छिपाते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? देख रहा था एक छोटी सी बच्ची श्रुति, श्रुतिका मेरे पास आई थी, यदि अब पता नहीं वो स्टॉक में होगा कि नहीं होगा, श्रुति छोटी सी गुड़िया, फिर ईला यादव को तो 36 वर्षों से एपिलेप्सी थी और श्रुति को जो 5 साल की बेटी को एपिलेप्सी, इसमें स्ट्रेस बढ़ने से, ब्रेन में कोई गांठ आने से 90 प्लस से ज़्यादा लोगों को तो स्ट्रेस बढ़ने से, एंजाइटी डिप्रेशन से, या ब्रेन के अंदर एनर्जी का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा उससे, फिर किसी को गांठ होने से, किसी के अंदर ब्रेन में कीड़ा जगह बना लेता उससे एपिलेप्सी होता है। तो इसको ठीक कैसे करें? तो एलोपैथी में तो चलो जब क्लॉट आ जाए या जो है कोई कीड़ा जगह बना ले उसके लिए तो सर्जरी करते हैं, बाकी क्या करते हैं? बाकी वो भीतर के ब्रेन के करंट को चैनलाइज करने के लिए, हमारे ब्रेन के स्नैप्स, न्यूरॉन्स और इनके सिग्नल्स को चैनलाइज करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक ड्रग्स देते हैं। हम मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा का उपयोग करते हैं, खाली पेट भ्रामी ग्रीते गाय का घी दे देते हैं, मेधा इष्टि से जो हवन चल रहा है ना, ये मेधा इष्टि से हवन करा देते हैं, और पीपल के जटा उसको पिला देते हैं, मेधा क्वाथ या पीपल की जटा। तो श्रुतिका ने कल देखा था, श्रुति का भी और ईला का भी, मैंने ऐसे लोगों की 30-30, 40-40 साल पुराने, एक हमारी बहन डॉक्टर पूजा साध्वी देव प्रिया जी, उनकी बहन को 50 सालों से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, ठीक किया हमने, मेरे को तो कितने लोगों की ये सारी चीज़ें हैं याद, एक मेरे दिमाग में ऐसे घूमने लगती हैं, हिलोरने लगती हैं सारी स्मृतियाँ। तो भाई किसी को एपिलेप्सी नहीं रहेगा, और कितने लोगों को मैंने तो इंडिया टीवी पर दिखाया है, दिल्ली का एक वंश नाम का बालक आया था, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कभी आग के पास नहीं जाना, कभी पानी में नहीं तैरना, मोटरसाइकिल नहीं चलाना, अब सब कर रहा है। ठीक है स्वामी जी, एपिलेप्सी से मुक्त किया मैंने लोगों को। स्वामी जी, एम्स की फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड हैं, एक बार फिर से उनको सुनवाते हैं आपको और फिर इसके बारे में आपसे जानेंगे। मेडिटेशन और मंत्रोच्चार से एपिलेप्सी में भी काफ़ी डिटेल में सर्च हुई है यहाँ पर, कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में किस तरह से सुधार आता है अगर वो साथ साथ मंत्रोच्चार करते हैं। तो हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी, और जो मंत्र हैं, चाहे वो ओम चैंटिंग हो, चाहे वो गायत्री मंत्र का जाप हो, हम लोग इस पर रिसर्च इस तरह से करते हैं कि ऐसा करने से ब्रेन में ऑक्सीजन की सुलभता कैसे बढ़ती है। तो स्वामी जी, एक बार फिर से देखिए, एपिलेप्सी को लेकर भी डॉक्टर साहब वही बात बता रही कि इससे ब्लड फ्लो जो है, ऑक्सीजन की सुलभता, और म्यूजिक के साथ ओंकार गायत्री मंत्र का जप करके पार्किंसन हमने ठीक कर दिया, ये सब हुआ, एपिलेप्सी ठीक कर दी है, हार्ट की प्रॉब्लम, इंसोमनिया,
और ये स्ट्रेस तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज एंड लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो ये हमारे पंकज जी और सारी रिसर्च टीम के लिए, अनीता जी के लिए जो इस कार्यक्रम को लीड करती है पर्दे के पीछे रह करके अभिनंदन है। सारे नए नए तथ्य और सत्य सबके सामने ला करके रखते हैं जिससे कि लोग अपने सनातन शाश्वत सत्यों के साथ जुड़े और अपने जीवन में इसको समाहित करें, योग को, यजन को, मंत्र जप को, ध्यान को, मेडिटेशन को। अनुलोम विलोम के बाद देखो भ्रामरी करते हैं ना इसे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसी सामूहिक चैंटिंग करने से सामूहिक भी सात्विक ऊर्जा एक साथ जब निश्चित होती है तो उससे भी एक दिव्य वातावरण निर्मित होता है और उसका अप्रतिम प्रभाव होता है मेरे भाई हुसैन जी। और यह हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष के प्रमाण। और अब तो एम्स ने भी उस पर मोहर लगा दी है। ये जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में भी आज से 20 साल पहले ये स्टडी प्रारंभ हुई थी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड कैंसर, सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो ये कैंसर से लेकर के ये हमारा देखो नरेश बैठा है, इसके तो एक भाई अंधा होकर के मर चुका है, एक घर में अंधा होकर के बैठा, माँ अंधी हो चुकी है। इसने अपनी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को, आंखों की रोशनी को, एनर्जी को चैनलाइज करके ये मैकुलर डिजनरेशन को ठीक किया है, आंखों की एनर्जी को चैनलाइज करके अब 70-80% देख सकता, मोटरसाइकिल चलाता है, नहीं तो घर में बैठ जाता अभी तक अंधा होकर। जेनेटिक उसको ठीक किया, ये है स्वामी जी। आपने जो बताया वो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं और एम्स की फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी ने जो बताया वो भी दर्शकों ने देखा और सुना। लेकिन जो पेशेंट हैं, जिन मरीजों को फायदा मिला है, वो क्या बता रहे हैं, उनको भी सुनना बड़ा जरूरी है। आप कितने समय से इस प्रक्रिया का हिस्सा है? पिछले 1 साल से कर रहे हैं मैम ये। हम पहले मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था, जब से ये करने लगे हैं तो कम हो गया है। अब ऐसा लगा कि हम चल फिर रहे हैं अच्छे से और दर्द बिल्कुल भी नहीं है। योग से और योगाभ्यास से, मंत्रों के द्वारा मेरा मानसिक जो है शांति के लिए, और योगाभ्यास से जो हमारा शुगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या असर आया है, कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? मैं पिछले 1.25 महीने से कर रही हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अभी आप क्या अलग महसूस कर पा रही हैं, कुछ बदलाव हुए हैं शरीर में योग? हाँ, मतलब बॉडी ऐसा लगता है कि पहले थका सा बहुत ज़्यादा रहता था, अभी थका सा नहीं रहता, जब से मैं योग कर रही हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है। स्वामी जी, जो आप लंबे वक्त से कहते आए हैं वही बात एम्स की तरफ से कही गई और वही बात ये मरीज कह रहे हैं कि कैसे उनको मंत्रोच्चार से, योगाभ्यास से फायदा मिल रहा है, उनकी जिंदगी से जुड़ी जो बीमारियाँ वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। ये तो हो ही रहा है और सारे देश यानी पूरी दुनिया में हो रहा है। अब ये योगमय वातावरण बन रहा है, सेल्फ एंड सोसाइटी के लिए योग तो इस बार का एक विजन था योग का। मैंने कहा भाई योग फॉर यूनिवर्स, योगमय भारत और योगमय विश्व, निरोग विश्व, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान वैभवशाली विश्व, योग से रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठ और सारी बदहाली बदलेगी, खुशहाली में तब्दील होगी। ये है योग का मर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हमने मरीजों को भी सुनवाया जिनको इससे फायदा मिला है। स्वामी जी, मंत्रोच्चारण का फायदा क्या डाइजेशन में भी होता है? क्योंकि बिगड़ा हुआ जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक बड़ी परेशानी है बहुत सारे लोगों के लिए, और गर्मी में ये सबसे ज्यादा बीमारी की वजह भी बन रहा है। डाइजेशन के लिए एक तो पवन मुक्तासन करो बेटा, आप उत्तान पादासन करो रिद्धिमा जी, और भैया जो है वो पवन मुक्तासन कर रहे हैं। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन और नौकासन,
वैसे तो सर्वांगासन हलासन भी लाभ करता है इसमें। पवन मुक्तासन, सर्वांगासन करो जी पवन मुक्तासन के बाद मेरे बच्चे कौशिक, और आप सेतु बंद करो बेटा रिद्धिमा। ये मंडूक आसन जो मैं कर रहा हूँ, ये सर्वांगासन, ये सेतु बंद आसन जो रिद्धिमा जी कर रही है, ये योग मुद्रासन, मंडूक आसन, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, और जितने भी साग सब्जी। कल एक बच्चा आया, रजस नाम था उसका, रजत, बोले स्वामी जी वायरस लोड इतना बढ़ गया था पेट में, उसने श्रुतिका को बताया 2500 जो 25 होना चाहिए वो 2500 एसजीओटी एसजीपीटी पहुंच गया था। सुन लो मेरे भाई हुसैन जी, जी जी, खाली साग सब्जियों का रस पी करके, सर्वकाल काढ़ा जो पी करके, लिवोग्रिट लिवामृत ले करके, अब वो पहलवान बन गया रजत। ये है महिमा। तो ये श्रुतिका जी ने भी जो कल इंटरव्यू लिए थे उनको भी हम चलाएंगे। लोगों की क्या अनुभूति है ना, उससे करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन मिलता है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे हजारों लाखों मोटिवेशनल वीडियोज हम डालें पूरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ, कि जो लोग निराश हताश उदास है, जिनको लगता है अब हमारा कुछ होने वाला है नहीं, वो चलो बेटो ये उत्थित पद्मासन करो, कितना अच्छे करते हैं। तो और सारी हताशा और सारी निराशा खत्म होती है बस सुबह 7:56 पर रोजाना इंडिया टीवी लगा लेने की जरूरत है। वो वीडियो स्वामी जी, योगाभ्यास का पूरा पैकेज हो चुका है, अब प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए ताकि हेल्थ का पूरा फुल पैकेज कंप्लीट हो जाए। प्राणायाम का भी करते हैं, 5 मिनट भस्त्री का मोटापा के लिए, शुगर जैसे दक्ष, अब इसने खड़े होना दक्ष, इसने 2.5 साल से कोई दवाई नहीं ली और 40-50 यूनिट चलता था, इसका जोरदार अभिनंदन। और डायबिटीज को मात दे दिया, टाइप 1 डायबिटीज को, ये बड़ी बड़ी बात की है इसने। अभी भी लगातार कपालभाति मंडूकासन के साथ करो बेटा योग मुद्रासन। तो भस्त्री का ये बीपी शुगर के लिए, ओबिसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए बहुत जबरदस्त है कपालभाति। देखो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक साथ अच्छे होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कल मैंने दो दो चार चार बच्चे जिनको योग से पैदा हो गए, मैंने एक साथ दो, एक साथ चार नहीं। तो इनफर्टिलिटी दूर होती है कपालभाति से, माताओं का ओवम, पुरुषों का स्पर्म ठीक से बनता है। मैंने सारे एग्जाम्पल श्रुतिका को दिखाए थे कल, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिनको यूट्रस में फाइबस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी है या पॉलीसिस्टिक किडनी, सब ठीक होते हैं कपालभाति से, ऊर्ध्वरेता बनते हैं। और बाह्य प्राणायाम तो अप्रतिम है ऊर्ध्वरेता होने के लिए। पीला बता रही थी बचपन से उसको वाइट डिस्चार्ज था, ठीक हो गए बाह्य प्राणायाम करने से। जिनका एनएस बाहर निकलता है, यूट्रस बाहर निकलता है, उनके लिए तो परमोसा भी है। भाई अपना उच्चाई तो गले, थायराइड के लिए, के लिए, कफ कोल्ड के लिए। स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज का वक्त हो चला है। आपने जो कल चैलेंज दिया था उस पर बहुत सारे लोगों ने हम तक वीडियोस पहुंचाए हैं, कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। स्वामी जी, देश के कोने कोने से वीडियोस हम तक आए हैं और हर उम्र के लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो विजेता है, जो बेस्ट वीडियो है, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पुणे की अमृता माधव बनी है विजेता। स्वामी जी, अमृता ने देखिए क्या बहुत ही शानदार तरीके से ये अभ्यास किया। और अब आज का अभ्यास भी दे दीजिए स्वामी जी। आप आज का चैलेंज मैं नहीं देता, ये कौशिक डेटा देगा चक्र दंड का। हाँ देखो, मैंने चक्र दंड किया, मैं तो स्वस्थ हूँ। इसने एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस को ठीक करके, चलो करो, करके दिखाओ बेटा। हाँ, थोड़ी जगह है, सावधानी से करना। एक पैर दोनों हाथों के बीच में, ये लंबा है, ये यहाँ देना जमीन पे उधर। हाँ कर, यही कर। ये लड़का आज जो है फिटनेस का आइडियल बन गया है, और इसने ये चक्र दंड लगा लगा करके उसको ही चक्री मार दी है एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस को।
तो ये चक्रदंड 10 बार भेजना है, 10 सेकंड के अंदर 10 बार लगाना है, उधर वो लगा रहा है, इधर मैं लगाता हूँ, ये ऐसे, और 10 सेकंड में 10 बार लगाकर उसका वीडियो बनाया, हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर के जरिए अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं, जो सबसे अच्छे से करेगा अभ्यास वो बनेगा विजेता। स्वामी जी अब आपसे बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।